हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में दोस्त हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के पार्ट वन के बारे में। इस पार्ट में हम अवकलन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, कुछ मोटिवेशनल लाइनें आप सभी के लिए कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले दोस्तों, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। ऐसी और मोटिवेशनल लाइंस के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशिएशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अभी बेसिक लेवल से होंगे। एक हार्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन और सभी क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल के हैं। जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साइन अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएट द साइन अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष साइन अंडर रूट एक्स का अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जान जाइए दोस्तों। सबसे पहले जो है वो अवकलन का, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले अगर घात होगा तो घात का हम अवकलन करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम करते हैं आधार का, ठीक है, घात के बाद जो बचेगा वो आधार का अवकलन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम करते हैं किसका, कोण का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन अंडर रूट एक्स है, इसका घात कितना है, एक है, तो एक का करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक का है इसलिए इसे नहीं करेंगे, मतलब घात अगर दो तीन चार रहे तो इस तरीके से पहले घात का करेंगे फिर आधार। तो आधार क्या है, साइन है, साइन को हम आधार मानेंगे, तो आधार। उसके बाद से कोण क्या है, तो अंडर रूट एक्स है तो कोण को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें घात तो है नहीं, तो आधार का करते हैं। आधार क्या है, साइन। और तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन हमने आपको डिफरेंशिएशन की सारी फॉर्मूलाज जो हैं वो बता दिए हैं। तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो हम एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, तो ये मान लिया हमने फंक्शन वाई बराबर साइन अंडर रूट एक्स है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन जैसे ही हम करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स वाई का अवकलन हो गया। उसके बाद से डी बाई डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स हो गया, यानी कि साइन अंडर रूट एक्स का अवकलन किया हमने। फिर ये सबसे पहले आधार का करते हैं अगर घात ना दिया हो तो, ठीक है, तो घात नहीं दिया है तो आधार का करते हैं। आधार है साइन अंडर रूट एक्स, तो साइन अंडर रूट एक्स का हम जानते हैं कि कॉस अंडर रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। उसके बाद से कोण, कोण अगर एक्स रहता तब तो एक हो जाता, तो उसे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर रूट एक्स का कुछ और डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपको फॉर्मूला वाली वीडियोस देख ली होगी अगर आपने, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि अंडर रूट एक्स का जो है वो क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो हमने आधार का भी कर लिया और कोण का भी कर लिया। नीचे जब चलेंगे तो कॉस अंडर रूट एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कि वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे कंबाइन करके क्या लिख दिया, कंबाइन करके लिख दिया वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन को कर सकते हैं, दो नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि टैन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर टैन एच एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएट द टैन इनवर्स इन ब्रैकेट टैन एच एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाई बराबर टैन इनवर्स टैन एच एक्स है, तो आप जब जानते हैं कि टैन इनवर्स और ब्रैकेट में टैन का ही कोई कंपोनेंट रहेगा तो ये और ये कट जाता है, तो केवल जो थीटा की जगह पर रहता है वही लिखा जाता है। तो थीटा की जगह पर एच एक्स है तो हम वाई बराबर एच एक्स लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है, y की तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy वाई बाई dx हो जाएगा, और hx की तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx ब्रैकेट के अंदर hx। h क्या है, h एक अचर है, तो h बाहर निकल जाएगा और d बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो x का अवकलन जो होता है वो हमेशा एक होता है, तो ए एच इंटू वन कितना होता है, h ही होगा। किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो h में एक का गुणा करेंगे तो हमारा h ही प्राप्त होगा। इसलिए tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan hx का x के सापेक्ष अवकलन h होगा। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दो नंबर के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पहला क्वेश्चन और दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि e टू द पावर x माइनस वन अपॉन e टू द पावर x प्लस वन का अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। हम मान लेते हैं कि y बराबर e टू द पावर x माइनस वन अपॉन e टू द पावर x प्लस वन, ये हमारा कोई फंक्शन है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y का करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर d बाई डी एक्स और इस पूरे का अवकलन करना है, ठीक है। ये है u बाई भी के फॉर्म में, और u बाई भी के फॉर्म में जब रहता है तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाइए फॉर्मूला देखिए उसके बाद इसे देखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं कि u बाई भी के अगर फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे भी रहता है और फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u और फिर भी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो u बाई भी, u क्या है e टू द पावर x माइनस वन, और भी क्या है e टू द पावर x प्लस वन। तो भी यानी कि e टू द पावर x प्लस वन, और फिर dx by dx और इंटू e टू द पावर x माइनस वन, यानी कि u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस के साथ u, तो u क्या है हमारा e टू द पावर x माइनस वन, और फिर भी का डिफरेंशिएशन यानी कि d बाई डी एक्स e टू द पावर x प्लस वन, और बटे में होता है भी का स्क्वायर यानी कि e टू द पावर x प्लस वन का द होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा e टू द पावर x प्लस वन, इसे ज्यों कहते हो नीचे लिख देंगे, उसके बाद से e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है वन, अचर है तो अचर का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो केवल बचेगा e टू द पावर x मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर माइनस ये वाला चिन्ह हम यहां भी लगाएंगे माइनस के साथ, उसके बाद से भी सॉरी u, तो u हमने लिख दिया e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस वन, और e टू द पावर x माइनस वन यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है प्लस वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो e टू द पावर x यहाँ पे फिर से गुना में हो जाएगा, ठीक है, और बटे में e टू द पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर है ही, ठीक है। अब ये करते हैं क्या कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पद में e टू द पावर x कॉमन है, तो e टू द पावर x को हम कॉमन लेते हैं, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर x प्लस वन ये वाला पार्ट, फिर माइनस के साथ e टू द पावर x प्लस वन, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ये माइनस गुणा होगा तो, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा क्या क्या कट जाता है, e टू द पावर x माइनस वाला और e टू द पावर x प्लस वाला, ये कट जाएगा तो दो बचेगा, और दो e टू द पावर x में गुणा हो जाएगा, तो टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर, यही हमारा उसका टोटल आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। dy बाई डी एक्स बराबर टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा आपका कह रहा है कि साइन x का अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। तो मान लेते हैं कि y बराबर साइन x कोई हमारा फंक्शन दिया है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन x का हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू साइन x। यहाँ पे y भी लिख दिया है, गलत किया है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स इंटू साइन x, साइन x का अवकलन होता है सिंपली cos x, इसे तो आप फॉर्मूला की मदद से भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांच नंबर में ये पूछा जा सकता है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे बिल्कुल तैयार कीजिएगा, इसीलिए इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, यदि y बराबर x tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अपॉन y, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
इफ़ वाई बराबर एक्स टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अपॉन वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसे हमको उतार देना है वाई बराबर एक्स टेन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई समीकरण नंबर वन। ठीक है, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखते हैं और अभी तक आपने इस पांडेज टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए, एक्स जो है वो यहाँ पे हम रख देंगे, यानी कि ये किस फॉर्म में है, यू इंटू वी के फॉर्म में है। वाई बराबर यू इंटू वी कोई फंक्शन होता है तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए सूत्र हमने बताया था, तो सूत्र वाली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए, नहीं तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला एक यू है और दूसरा टेन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई ये आपका भी है, और वाई बराबर यू इंटू वी वाला फॉर्म लग जाएगा। तो यू इंटू वी वाला फॉर्म लगता है तो क्या होता है, पहले u को रख देते हैं, फिर v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस भी रख देते हैं और फिर u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें बटा वाला काम नहीं होगा, बटा वाला काम कब होगा, यानी कि अपॉन में कब लिखना होगा, u अपॉन v के फॉर्म में हो तो, u इंटू v के फॉर्म में हो तो नहीं लिखना है। ठीक है, u हमने लिख दिया यहाँ पे x और फिर v का डिफरेंशिएशन, यानी कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अपॉन y का डिफरेंशिएशन प्लस v यानी कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अपॉन y और फिर u का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं, x यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि x की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है, x की जगह पे हमारा यहाँ x अपॉन y है तो हम टोटल x अपॉन y लेके चलेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस जहाँ x स्क्वायर था वहाँ x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे हमारा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर है। ठीक है, x अपॉन y है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से फिर देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि पहले आधार का करते हैं, तो आधार का तो हमने इतना कर लिया, अब बारी आती है कोण की, तो कोण हमारा कितना है x अपॉन y, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे कि d बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर x अपॉन y प्लस ये वाला पार्ट क्या है, tan इनवर्स x अपॉन y, और x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो वही चीज़ निकल के आएगी, इसलिए सिंपली हम यही चीज़ आपको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है ये देखिए, इसका जो है वो आपको एलसीएम लेके और ये y वाला पार्ट ऊपर भेज देना है, तो ये y वाला पार्ट ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जब जो है वो ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर, तो हमने बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर अब क्या होगा, अब इसको फिर से आपको यू अपॉन वी के फॉर्म में तोड़ना है, कैसे, यू डी वी वाई डी एक्स, यू वी का अवकलन माइनस वी यू का अवकलन बटा वी स्क्वायर, इस फॉर्म में तोड़ेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो आप इस तरीके से कुछ चीज़ें पाएंगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका x अपॉन वाई, यहाँ पे चीज़ें समझने वाली है कि tan इनवर्स x अपॉन वाई था तो हम यहाँ पे x अपॉन वाई क्यों लिखे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, आइए क्लियर करते हैं। यहाँ पे tan y बराबर क्या है, y बराबर है x tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो केवल हम इसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, x वाले पार्ट को इधर करके डिवाइड कर देंगे, तो tan इनवर्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा x अपॉन वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये y ऐसे ही रहेगा y और ये x इधर पक्षांतर आ जाएगा तो x y अपॉन x, तो tan इनवर्स x अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x, सेम यहाँ पे यही कंडीशन फॉलो हुई है। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन y की जगह पे हम यहाँ पे x अपॉन y अपॉन x लिख सकते हैं। क्लियर है इतना तक, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा दोस्त, हम आपके लिए ही हैं, आपको बताने के लिए ही हैं।
ठीक है। तो ये जो पार्ट है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद से क्या है कि ये पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर देंगे, यानी कि वाई अपॉन वाई स्क्वायर तो वन अपॉन वाई हो जाएगा, फिर माइनस तो माइनस यहाँ पे भी हमने लिख दिया, माइनस के बाद से एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इतना लिख दिया, फिर प्लस ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए नीचे नीचे चलते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्त। चलिए नीचे चलते हैं, अब क्या करेंगे कि ये वाले पार्ट में पहले इससे गुणा करेंगे, फिर ये वाले पार्ट में फिर इससे गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि कहें तो अगर x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई होता है तो पहले हम x का x में गुणा करते हैं, फिर x का y में गुणा करते हैं प्लस के साथ, सेम यही कंडीशन करना है। तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर वन अपॉन वाई में गुणा करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे भी है इसलिए हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। फिर हम इस वाले पार्ट को इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये वाला है तो यहाँ पे भी हम इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस के साथ वाई अपॉन एक्स है तो वाई अपॉन एक्स प्लस के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्या किया है, साथ साथ दोस्तों इस क्वेश्चन को कीजिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, साथ साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब कोई टीचर्स पढ़ाए आपको तो साथ साथ उसको करते रहना चाहिए, कुछ अपने दिमाग से करना चाहिए, कुछ टीचर्स के दिमाग से करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप जो है फंसते हैं, जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होते हैं वहाँ पे हेल्प लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आप ही को करनी है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट एक साथ लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस में है इसलिए जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। चलिए पक्षांतर करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लिए, और बचा हमारा क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, इसे हमने इस साइड लिख दिया। करेंगे क्या, फिर बटा का जोर करेंगे, तो बटा का जोर हमने कर लिया क्या, x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और साइड में हमारा हो जाएगा प्लस के साथ y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद से हम इस चीज़ को करेंगे जब, तो जब y का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट को अभी कुछ न छेड़िए, ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाले पार्ट पे आप ध्यान दीजिए, ये वाले पार्ट में क्या किया गया है, एलसीएम कर लिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे केवल डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के, तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले में पार्ट में गुणा हो जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसे तो सेम आप यहाँ पर लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद से ये वाला पार्ट हमारा ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने ऊपर लिख दिया और यहाँ वाला पार्ट नीचे आएगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको ऊपर करने पे जो गुणा होके आया है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसे हमने नीचे रख दिया, इससे ये कट जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या हमारा क्वेश्चन, ये निकल के आता है। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी चीज़ें समझिए, पहले हम ऊपर यहाँ पे y अपॉन x लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे इसमें अगर y में सबका गुणा कर देंगे तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और जब इसमें से y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y अगर कॉमन ले आएगा तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से y कॉमन ले आएगा तो फिर बचेगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे इसके गुणा करने के पश्चात तो बचेगा हमारा केवल वाई स्क्वायर,
अपॉन एक्स है ही, तो एक्स हमने लिख दिया, तो वाई अपॉन एक्स हमारा अलग हो गया, और ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग हो गया, और नीचे ही हमारा है ये वाला पार्ट, चूंकि ये और ये पहले से कट चुका है, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट हमारा बच गया, और ये भी जब हम जोड़ेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बचेगा, तो ये और ये फिर कट गया, तो हमारा बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कुछ काम ज़्यादा करना पड़े। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, मुझे तो जितना जो है वो आपको समझाने में खुशी होती है मैं बयां नहीं कर सकता दोस्तों, इसलिए प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ आता है या नहीं, और इस वीडियो को लाइक करके बताइए ताकि मुझे समझ में आ पाए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगातार बोलते रह रहा हूँ, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारा मोटिवेशन चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और केवल सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, उसकी वीडियोस को देखिए, अपने अंदर लाइफ में सुधार लाइए, एक अच्छा व्यक्ति बनिए और दुनिया में अपना नाम रोशन कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।